हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रचना वर्मा उज्जैन से हूँ। हम ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से है। ब्रदर के साथ करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोगों का टाकीज, बहुत बड़ा स्कूल का प्रोजेक्ट और भी कॉलोनीज और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में मैं महेश शर्मा सर, जो कि इस इंडस्ट्री के जाने माने लीडर है, जिन्हें यूट्यूब पर लोग सर्च कर करके उन्हें ज्वाइन करते थे, उन लीडर के थ्रू इस इंडस्ट्री को में आने का मौका मिला। वैसे इस इंडस्ट्री के लिए विज़न तो नहीं था कुछ खास। हाँ, इस इंडस्ट्री मतलब यहाँ आने के बाद यहाँ की मीटिंग, ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत अच्छा लगता था, जो अक्सर हम ज्वाइन करते रहते थे। और धीरे धीरे वेस्टीज में आए और तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा विज़न नहीं था, लेकिन ये था कि करना है, ठीक है, एंट्री की है तो थोड़ा ठीक ही करना है। सर का 11 महीने में यूसीडी हुआ, मेरा 11 महीने में डायमंड हुआ और ठीक है, चल रहा था। कभी उधर प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ती थी तो इधर बिल्कुल डीप फोकस होकर हो जाते थे और उधर वर्क करते थे, तो मतलब मेहमान कलाकार की तरह आना और जाना चलता रहता था। बट लॉकडाउन के बाद, सच बोलूँ तो लॉकडाउन के बाद इस इंडस्ट्री के लिए विज़न क्लियर हुआ, क्योंकि वहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था और इनकम जीरो हो चुकी थी, लेकिन लायबिलिटी टॉकीज के स्टाफ को पैसा देना ही है, स्कूल के स्टाफ को देना ही है, जो बैंकों का इंस्टॉलमेंट चल रहा है वो देना ही है, तो समझ में आया। और इधर देखा तो चेक कंटिन्यू आ रहे थे, तो क्लियर हुआ कि वाकई पैसिव इनकम क्या है, नेटवर्किंग का पावर क्या है। और आज स्पष्ट विजन के साथ अब इस इंडस्ट्री में सही मायने में अब इंटर किया है और एक माइंडसेट कर लिया है कि 3 से 5 साल का प्रोजेक्ट बनाकर इसको एक बहुत अच्छे लेवल पर करना है। और मैं भी 2-3 महीने में क्राउन तो अपना ब्रेक कर ही लेंगे, लेकिन सर का जो 100 क्राउन का टारगेट है, जो उन्होंने ड्रीम लिया है, उसमें भी हमारी टीम से मैक्सिमम क्राउन जाएंगे, ये सर से प्रॉमिस कर। अपने मेंटर लीडर अप्लाई मिस्टर महेश शर्मा सर के लिए यही कहूँगी कि नारिकेल समाकारः दृश्यन्ते खलु सज्जना, यह पूरी तरह उन पर चरितार्थ होता है। मतलब सिस्टम को लेकर और एथिक प्रिंसिपल को लेकर वो जितने सख्त, स्ट्रांग, इतने स्ट्रिक्ट है, एज अ पर्सनालिटी वो उतने ही कोमल, उतने ही नर्म हम लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। और उनका वर्क एथिक 16-16, 18-18 घंटे वर्क, और हर परिस्थिति में उनकी स्टेबिलिटी, और हर परिस्थिति में वो बहुत खुल तरीके से हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। और अगर ग्रेटेस्ट मेंटर अप्लाई मिस्टर भारिल सर के भैया के बारे में कहूँ तो अमेजिंग, वाकई भैया का जो स्पिरिचुअल थॉट्स, ये चीज़ों ने बहुत मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उस आध्यात्म से बहुत ज़्यादा इंगेज हूँ। तो इतना अच्छा एसोसिएशन, इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा सिस्टम, ये सब कुछ ने डेफिनेटली हम और हमारी टीम को, जो भी हमारे साथ इन्वॉल्व है, वो सभी के लिए सक्सेस के बड़े बड़े रास्ते खोलेगा ही। क्राउन का टारगेट लिया है और मैक्सिमम अपनी टीम में क्राउन बनाना है, इसके लिए भैया का जो विनिंग टीम सिस्टम है अमेजिंग, गो गेटर पे भैया ने जो प्लानिंग दिया है उसके थ्रू हम सब, सच बोलूँ तो गो गेटर का मैंने भी लास्ट मंथ ही गो गेटर कम्प्लीट किया है, क्योंकि उसके पहले ठीक है लोगों की हेल्प करना है, कोई ज़्यादा खास विजन नहीं होने की वजह से लोगों की हेल्प करना, उस हिसाब से वर्क कर रहे थे। लेकिन अब सिस्टमेटिक वर्क अगर करना ही है तो गो गेटर का प्लानिंग समझ में आया, खुद ने लास्ट मंथ गो गेटर किया, मैक्सिमम अब टीम में गो गेटर निकालना, ये भी एक हमने टारगेट लिया है। भैया का एजुकेशन सिस्टम, विनिंग टीम का CEP, सच बोलूँ तो इस विज़न को, मेरा विज़न CEP सुनने के बाद और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो उसमें एक्सपीरियंस भी लीडर के जो मैसेजेस है, उनका जो वर्क एथिक है, वो क्लियर, उससे समझ में आया कि इसको किस तरह से इजीली कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम लोग CEP पर आए, गो गेटर करें
और अपने मेंटर महेश शर्मा सर के जो 100 क्राउन का टारगेट है उसमें हम अपना मैक्सिमम योगदान अपनी टीम की तरफ से दें, यही हमारा प्लान है। थैंक यू।